ग्रीन पार्क में गुटखा खाते युवक का वीडियो वायरल। ट्विटर यूजर ने लिखा, कानपुर को कमला पसंद है। ग्रीन पार्क में चल रहे भारत बनाम न्यूजीलैंड के क्रिकेट मैच के बीच एक ऐसी तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई, जिसे देखकर हर कोई मजेदार प्रतिक्रिया दे रहा है। दरअसल इस फोटो में मैच देखने आया एक दर्शक फोन पर बात करते दिख रहा है। हालांकि उसके चेहरे की भाव भंगिमा ही कुछ ऐसी है कि लोग मजे लेते नहीं थक रहे। इस फोटो और इसकी वीडियो क्लिप को लेकर इंटरनेट मीडिया के तमाम मंचों पर मीम्स की बाढ़ आई हुई है। इसे लेकर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वायरल फोटो को कवि कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया। कैप्शन में उन्होंने कानीपुर में मैच है आज लिख कुछ इमोजी आइकन से अपनी प्रतिक्रिया दी। कुमार विश्वास के इस फोटो को शेयर करते ही लोग उसे तेजी से रीट्वीट कर रहे हैं और तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। इस फोटो के वायरल होते ही लोग क्रिकेट फैन के पान मसाला या गुटखा खाने का अंदाजा लगा रहे हैं। इसके साथ ही मजेदार प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। आइए जानते हैं इंटरनेट मीडिया यूजर्स की फनी कमेंट्स और कैप्शंस। ट्विटर पर एक यूजर ने गुटखा उत्पाद की टैगलाइन को कोट करते हुए लिखा कि कानपुर में आपका स्वागत है, बोलो जुबा केसरी। एक यूजर ने गुटखा मैन की तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि कानपुर को कमला पसंद है और कंटेंट वायरल है। एक यूजर ने गुटखा मैन की वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि एक कानपुरिये ने आखिर गुटखा स्टेडियम के अंदर कैसे ले गया, इस सवाल का जवाब आप बड़े भैया जी से पूछ सकते हैं। एक यूजर ने गुटखा मैन की फोन पर हो रही बातचीत को ही कैप्शन दे दिया और लिखा कि यार अपना गुटखा साथ लेकर आना, इधर स्टेडियम में महंगा दे रहे हैं सब, #कानपुर। एक यूजर ने गुटखा मैन की फोटो पर मजेदार कैप्शन देते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में छोटे भाई को कहते हैं छुटका, मौका चाहे जो हो कानपुर में चबाते रहेंगे गुटखा। आपको बता दें कि भारत न्यूजीलैंड के बीच ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले गए क्रिकेट टेस्ट मैच देखने गुरुवार सुबह अपना सारा दिन के इंतजाम के साथ पहुंचे दर्शकों को मायूसी का सामना करना पड़ा। स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर ही सुरक्षा कर्मियों ने तलाशी ली। उनके पास से सिगरेट, गुटखा, सिक्का, पानी की बोतल और बैग तक बाहर रखवा लिए गए। ऐसे में दूसरे शहरों से मैच देखने आए क्रिकेट प्रेमियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गेट पर सामान अंदर ले जाने के लिए मिन्नतें करते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि खेल जगत से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।